नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बात बड़ी साफ है दोस्तों कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, आज मजा आया एपिसोड को देख के। अनकही बातें रोमांस के जरिए हमने सुनी, तो ये बहुत ही बढ़िया वाला सीन था जिसके बारे में बहुत बातें की है, और तोशु की किंग साइज लाइफ के बारे में भी बातें की है, काफी बातें हुई हैं आज। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके ऑडियोज के लिए है, वीडियोस के लिए है, यानी कि पब्लिक वॉइस वीडियो। तो शुरू करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज आद्या का श्रुति को कहना कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी, और मम्मी पापा से भी बात कर लो अपनी शादी की कि जल्दी से जल्दी डेट फिक्स हो जाए। उधर तोशु और केंजल का सीन देखा, सच में जो उसके दोस्त आए थे वो गुंडों जैसे ही लग रहे थे, और वो तोशु को समझाती है कि ऐसे दोस्तों को घर मत लाया करो, बट तोशु कहाँ समझने वाला है। जैसे उसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि जे कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, और बाद में जे केंजल फिर से अनुपमा को इस सब में इन्वॉल्व कर लेगी। आज सच में मान के सीन देकर मज़ा आ गया, जब आद्या कहती है अनुज से कि आप श्रुति के लिए शायरी लिखो, तो उसी वक्त अनुपमा का फ़ोन आ जाता है और अनुज लिखता लिखता रुक जाता है। जे कान्हा जी का ही इशारा है कि तुम सिर्फ अपनी अनुपमा के लिए ही शायरी लिख सकते हो और किसी के लिए नहीं। और जब अनुपमा कहती है अनुज से कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कल, तो अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो सीन सच में मेरे दिल को छू गया, जब अनुपमा कहती है कि बाय अब मैं रखती हूँ, बट अनुज का मन नहीं करता कि अनुपमा फ़ोन बंद करे, वो मुझसे बातें करती रहे। और बाद में सिर्फ वो अपनी अनु की बातें ही सुनना चाहता था, और जब अनु फ़ोन बंद करना भूल जाती है तो वो अनुज अनुपमा की धड़कनों की आहट सुनता है। तो आद्या का कहना कि आप किससे बात कर रहे हो, तो उसका कहना कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो आद्या का कहना कि आप कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो, तो अनुज का कहना कि जो मेरी रूह को सुकून देता है। सच में बहुत बढ़िया सीन था। और जब अनुज बैलून लगा रहा होता है तो उसके मुँह से निकलता है अनु टेप देना, और आद्या का चौंकना, सच में वो भी सीन दिल को छू गया था कि अभी भी वो अनु की जादू में खोया हुआ है, उसे कुछ नहीं पता लग रहा कि मेरे आसपास कौन है। और जब वो स्लिप पर अनु का नाम लिख देता है गलती से, तो वो बाद में देखता है कि ये मुझसे अनु लिखा गया, तो वो जल्दी जल्दी से अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और आद्या बाद में फ़ोन चेक करती है अनुज का, बाद में उसे पता चलता है कि पॉप्स ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल अच्छी की अनुज ने कि पासवर्ड ही चेंज कर दिया। और उधर हमने देखा कि लीला बा से और बापूजी से उनकी पड़ोसन बात करने आती है डिम्पी की शादी के लिए, तो वनराज को अच्छा नहीं लगता और वनराज उसे डांटता है और बात वहीं पर ख़त्म कर देता है। और उधर काव्या भी कहती है कि तुम टीटू से अच्छा कोई भी लड़का डिम्पी के लिए नहीं मिलेगा, तुम डिम्पी की ट्यूटी से शादी करवा दो। बट वनराज कहता है कि मैं कोई ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो जिसे मैं अपना घर जमाई बना लूँगा। वो भी बातें सुनने में अच्छी लगी काव्या का समझाना, बट वनराज कहाँ समझने वाला है। उधर हमने बाद में अपडेट में देखा कि अनुज पूरी तरह से टूट चुका है, वो अनुपमा के सामने गिर गिरा रहा है कि मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें फिर से वापस पाना चाहता हूँ, मगर अनुपमा कहती है कि जब आद्या ही मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे देखना नहीं चाहती, तो कैसे वो अनुज के पास चली जाए। और अभी आगे देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। आज जो भी सीन फ़ोन वाला था, मुझे सबसे बेस्ट सीन फ़ोन वाला लगा, जो अनुज और अनुपमा बातें करते हैं, सच में बहुत अच्छा सीन था। और इन दोनों के प्यार में बहुत दर्द, बहुत ही प्यार है इन दोनों में, और दर्द भी बहुत है इनकी प्रेम कहानी में। आज फिर से मैं 2-3 लाइनें बोलना चाहूँगी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी आँखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझे
तुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती हैं बरसातें। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी, हो घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। नमस्कार मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। मैडम, आज जो आपने बताया तो मैंने वीडियो भी देखा, सच में अनुज का जो प्यार है, अनुज की तड़प देख के दिल भर आया। सच गलतियां हो जाती है इंसानों से, कहीं ना कहीं उसमें जो आने वाले उसमें दिखाएंगे अपने को कि अनुज पूछता है, सवाल पूछता है कि सब में लड़ाइयां होती हैं, तू मेरे साथ लड़ती नहीं बोलती दो दिन लेकिन छोड़ के ना जाती। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि प्यार तो है दोनों तरफ से है, वहाँ पे गुस्से में चलो समझ लो कि एक पे दो प्यार करते एक की बुद्धि पे पर्दा भी पड़ गया, नहीं तब दिमाग में रहा। तो क्योंकि दोनों का ही उस समय हालात ही ऐसे थे कि अनुपमा भी छोड़ के चलेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो उसने कहा कि मेरे दिल में अनुपमा ही है, तो कहीं ना कहीं जो आध्याय की ट्रैप से, मैं ट्रैप ही कहूँगा मैडम, वो उससे अनुज को बाहर आना चाहिए। जैसे अब शुरू तो किया है उसने छुपाना शुरू कर दिया, उसने अपने फ़ोन को अब लॉक पासवर्ड बदल दिया, बिल्कुल सही किया। अब उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समझ में आएगा, लेकिन वो लड़की इतनी सी लड़की है जो षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रही है, तो वो करती रहेगी। अब श्रुति भी, अगर श्रुति आद्या की बातें तो में आके कुछ ऐसा कदम उठा लेती है, जबकि अनुज ने साफ साफ उसको कह दिया था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर भी अगर कुछ ऐसा सरप्राइज करने के चक्कर में बढ़ लेते हो, कोई झमेला करती है, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। मैं बताऊं तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा भी इतना जो जिसको वो भी अब भी आज भी वो अनुज से प्रेम करती है, तो वो कहीं ना कहीं अनुज को इस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ मुझे लगता है मैडम नहीं देख पाई। तो अब तो हम सभी लोग यही कहते हैं कि अब अनुपमा भी वही गाना गाए कि अब न टूटे ये प्यार के रिश्ते, अब ये रिश्ते संभालने होंगे मेरी राहों से, तुझको कल की तरह दुख के कांटे निकालने। तो इसी तरह जो सब लोग चाहते हैं कि ये मान मिल जाए, लेकिन मेकर्स मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, क्योंकि जब तक मान नहीं मिलते हैं तब तक तो लोगों को उम्मीद है, नहीं मिले या नहीं मिले आगे क्या ड्रामा लेके आते हैं इनको मिलाने के बाद, ये देखना होगा। लेकिन मान को मिलना चाहिए और इसकी अनुज की बिल्कुल भी शादी श्रुति के साथ नहीं होने चाहिए। तो ये बर्थडे पे कहीं ना कहीं ये करारा थप्पड़ इसको आध्याय को पढ़ना चाहिए मैडम, मुझे मेरा ये दिल कहता है। धन्यवाद मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और रानी महेंद्रू जी इतने प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा एपिसोड, अनुज अनुपमा के सीन बहुत ही अच्छे लगे। सच में आद्या कितनी बदतमीज लड़की है, जितना बोलो उतना ही कम है, कैसे मैनिपुलेट करती है ये दोनों को। आद्या जल्दी कर रही है शादी के लिए, पर अनुज की बातें श्रुति को याद आती हैं कि उसको टाइम चाहिए। क्या क्या प्लानिंग करती है ये आद्या, इसका तो कोई जवाब नहीं है सच में। और कितनी सेल्फिश है ये किंजल, मम्मी के ठीक होने का इंतज़ार कर रही है कि ताकि उसका घर ठीक से चले, और उसके घर में अजीब से लोग बैठे हैं। किंजल तोसु उन्हीं लोगों को लेकर झगड़ा कर रही है और परी सुन रही है। तोसु कहीं बड़ा करने के चक्कर में बहुत बुरा ना फंस जाए। वैसे देखा जाए
तो सच में तोसु लूजर ही है। किंजल समझा रही है पर तोसु समझने वाला और मानने वाला नहीं है। और अब तो तोसु गया काम से, बहुत बुरा फंसने वाला है। और लेकर जाओ तोसु को इंडिया छोड़कर विदेश, अब बर्बादी तो पक्का है मिसेस किंजल। आद्या नानी जैसा जैसा समझा रही है, अनुज तो वैसा ही करता जा रहा है पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आद्या तुम्हारे वश में अब कुछ नहीं है, तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगी। वेरी गुड, जैसे ही कार्ड खोला अनु का फोन आ गया। बेचारा डर कर फोन उठा रहा है, जैसे बच्चे नहीं डरते अपने माँ बाप से कि कहीं देख ना लें, वैसे ही अनुज डर रहा है अपनी अम्मा आद्या से। अनु की आवाज़ सुनकर अनुज बहुत खुश, और जब उसने मिलकर बात करने को बोला तो जैसे बच्चे को खिलौना मिल जाता है खुश होता है, वैसे ही अनुज बहुत खुश हो जाता है। अनुज ने कल मिलने को कह दिया है, बर्थडे गया भाड़ में। अनुज को अपनी अनु से मिलना है। दोनों की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, दोनों रो रहे हैं। कितना करार और बेचैन हो रहा है अनुज, बेकरार और बेचैन हो रहा है अनुज, उसके दिल में करार है ही नहीं। जब अनुपमा ने कहा कल का इंतज़ार करूंगी, तब अनुज को बहुत सुकून आया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमको आज इन दोनों के सीन देखकर सच में रोना आ गया। सच में इनका प्यार देखकर, इतना प्यार होने के बावजूद ये जुदाई क्यों? फ़ोन कटा नहीं है। अनुज महसूस कर रहा है अपनी अनु को, और कितना डरता है ये अनुज नानी आद्या से। कैसे फ़ोन छिपाया अनुज ने। अनु भी अनुज को याद कर रही है। लो कपाड़िया जी ने नानी आद्या से अनु टेप देना जरा कह ही दिया। वह कपाड़िया जी तुमको भी क्या बोलें, डरना छोड़ो इस नानी से। अनुपमा भी खुश हो रही है यादों को याद करके, पर छोटी की बातें उसको रुला देती हैं। कार्ड पर अनुज ने अनु लिख दिया। आद्या देख रही है अपने पॉप्स को, पर फिर भी फीलिंग्स को समझना नहीं चाहती है। अनु लिखा कार्ड रख लिया अपने पास। उधर अनु ने फ़ोन काट दिया तो अनुज को अच्छा नहीं लगा। और कितनी गंदी है ये आद्या, अपने पॉप्स का मोबाइल चेक कर रही है पर पासवर्ड चेंज। अनुज वापस आता है, उसको कुछ शक हो गया है कि मोबाइल उठाया गया है, या उसको लग रहा होगा कि कहीं आद्या ने देख तो नहीं लिया। अनुज कल छोड़कर परसों सच बताने वाला है श्रुति को, पर तब तक दोनों के बीच गलतफहमी हो जाएगी। अगर श्रुति ने अनुज अनुपमा को साथ देखा तो श्रुति शक करेगी। अनुपमा वापस स्टोर रूम में आ गई है बीजी का घर छोड़कर। उधर मोहल्ले की औरत डिम्पी का रिश्ता लेकर आई थी। तानाशाह वर्णराज ने अपना फैसला सुनाया और चलता बना। स्वार्थी बा ने अपनी बात बाबूजी को बता दी। वर्णराज ने काव्या की बात पर घर जमाई बनाने को तैयार है। डिम्पी को जीवन साथी मिल जाएगा, अंश भी दूर नहीं जाएगा। काव्या ने डिम्पी टीटू की बात की, पर हिटलर वनराज को टीटू पसंद नहीं। डिम्पी ने समझाया तो अच्छे से वनराज को टीटू के लिए, अब असर कितना होता है ये तो वक्त बताएगा। और प्री कैफ फिर वही पुराना वाला है, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून नंदी दीदी, सॉरी आई विल वेरी लेट फॉर वीडियोस, सॉरी ऑडियोस। एंड आज कहने को दिल कहता है सो रोमांटिक मोमेंट, मीन्स कि यूनिक क्या बोलते हैं ना, रूहानी प्यार, आई लव इट। गुब्बारों से प्यार नहीं निकलता, दिलों से प्यार निकलता है। गुब्बारों से प्यार नहीं निकलता, दिलों से प्यार निकलता है। क्या धड़कन धड़कन धड़कते धड़कते महसूस करने वालों का इकरार नहीं होता है। हम क्या करें, मिलकर भी क्या करें, दिलों में प्यार बसा है। प्यार को ही प्यार लेकर चले, नफरत ना पाल पाए। नफरतें फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं, नफरतें फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं,
जिसे दिल का प्यार हो उसे नफरत भी काट जाता है। यूं कहूं तो मुझे सच में आज मान का ये सीन बहुत बेहतरीन लगा। आज दिल कहता है मान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सो क्वीट एंड सो स्वीट एंड सो लवली, मीन्स वो दो लफ्ज़े था ना कि आई एम सॉरी मैं बात नहीं कर पाई, और उसके बाद उसने कहा कोई बात नहीं मैं मिलना चाहती हूँ। और इधर अनुज ने ये बात कहा अफकोर्स मिलते हैं ना, मीन्स की कार्ड देख रहा है उधर में सब कुछ देख रहा है, उसके बाद भी उसको पता है कि श्रुति की बर्थडे है, उस बर्थडे को इग्नोर करके अनुपमा से मिलना चाहता है। इट्स सो ब्यूटीफुल कि अभी भी उसके अंदर ये है कि मैंने प्यार से पहले मैं मिलूंगा उसके बाद कुछ और काम करूंगा। इट्स सो वेरी नाइस, मैं भगवान से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मेकर से प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मिला दो यार मान को, बस बहुत हुआ यार। उसकी आंखों में आंसू ना देख पाई मुझे, ये क्लोजर नहीं होना चाहिए, रीओपिनियन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें ट्विटर में ट्रेंड करें कि हैशटैग मान जोड़ी। मैं चाहती हूँ कि अनुपमा बिजनेस वुमन बन के निकले लेकिन अनुज के साथ, अनुज उसका सपोर्ट करते रहे अमेरिका में, बस उसे सपोर्ट करे ना कि अपने बिजनेस में एंटर करे कि हाँ तुमको कुछ बनना है तुम बनो, अकेले अपना बिजनेस खड़ा करना चाहती हो खड़ा करो, लेकिन उसमें मैं सपोर्ट करूँगा लेकिन साथ में नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अकेले करना, एक दूसरे के साथ रहे, हस्बैंड वाइफ बनकर रहे लेकिन अपना करियर खुद बनाए, तो अनुज को भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरी अनु वो स्टैंड लेने लग गई, वो काम करने लग गई और वो सपोर्ट करे, बस इतना ही चाहते हैं, यही होना चाहिए। रूहानी प्यार का मतलब यही होता है, दिल टूटते टूटते ना तोड़े यार, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्यों जुदा जुदा होते हो बच्चों के मामले में क्या, ये दोनों पागल है, सच में पागल है। ऐसे रूहानी प्यार को मैं तो ना छोड़ूं, सच बता रही हूँ, मैं क्या कहूँ मैम, मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है, दोनों आ रहा है कि ये एक रूहानी प्यार है कि पागलपंती, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तरफ जो मैंने शाह हाउस का देखा है, टिटू और इन लोग का बताते हैं कि मैंने देखता हूँ दूसरी शादी करा देता हूँ, तो उसने कहा कि दूसरी शादी क्यों, टीटू के साथ करा देता हूँ, टीटू के साथ करा दो अच्छा है, तो बोला घर जवाई बना के ले आता हूँ। आई डोंट केयर इट इज़ कि अब उसके दिमाग में क्या बैठा है क्या नहीं बैठा, आई डो नॉट थिंक, मुझे पता है कि अगर वो टीटू से शादी करा देता है तो मेन बात है कि डिंपल उधर चली जाएगी और टीटू अपने जो उसका करियर सेट है वो नेचुरली अंश को अपने साइड कर लेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। इट्स सो नाइस। और दूसरी बात है इस साइड में परितोष और किंजल का देखा और छोटी सी बच्ची परी को देखा, मीन्स एंजल को, उसका स्टोरी देखा कि एंजल सुनी है गाना नहीं सुन रही थी, वो अपने माँ बाप का लड़ाई सुन रही थी, ये लोग क्या इंसान है यार, परितोष कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकता और केंजल सुधर नहीं सकती, केंजल इसको डाइवोर्स नहीं दे देती क्यों, अकेले पाले ना अपनी बच्ची सिंगल मदर्स पाल के, क्यों नहीं कर सकती, इतनी बड़ी लेजेंड है अकेले लेकर अकेले मैनेज करे अपनी बेटी को, क्यों ऑफिस मैटर में क्या अपनी बच्ची को उस टाइप का क्लासेस में नहीं डाल सकती कि मैं उस क्लासेस में जाऊँ इसे क्लासेस में डाल दूँ और मैं अपना काम करती रहूँ फिर इसे घर ले आऊँ। जब तक ये परितोष को नहीं छोड़ेगी, परितोष को सबक नहीं सिखाएगी तब तक वो सीखेगा नहीं और वो पल्लू पकड़ पकड़ के उसे तंग करते रहेगा। और जिस तरह के लोग दिख रहे थे सच में इट्स सो बैडली, थैंक यू अंजू मैम। और आत्या के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि उसके बारे में बोलना मतलब मेरे सर दर्द करना, मैं उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती, स्पेशली मेरा इस बार दिमाग मेरे प्यार प्यारे से मान को देखकर बहुत खुशी हुई देखकर कि चलो मिलना चाहती है वो भी और भी मिलना चाहता है, अब कॉज मिलते हैं, अब देखते हैं ये रूहानी प्यार। प्लीज़ मेकर्स आई एम वेरी रिक्वेस्ट आज कि दोनों जने कहाँ हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा देरी है,
मिलना। पता नहीं अभी तो सुनने में आ रहा है प्रेगनेंसी ट्रैक आएगा और भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। प्लीज़ गॉड मेरा ही बात सुन लो, मैं भी तो कान्हा का पूजा करती हूँ। थैंक यू मैम एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। जैसे जैसे ये धारावाहिक आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफी हद तक चीजें ऐसे एक नोट पे जाके रुक जाती है, छूट जाती है, फिर आगे क्या होगा इसका इंतजार रहता है। तो ऐसे ही आपके रिव्यूज का भी मुझे इंतजार रहता है कि अब आज की एपिसोड पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो बढ़िया लगता है सुन के, ऐसे ही भेजते रहिए। और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, अभी भी सोच रहे हैं, तो सोचिए मत, भेजिए। आप इतना सब कुछ जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपको धारावाहिक देखने की समझ है, तो क्यों नहीं भेजते अपने रिव्यूज। तो किसी बात की भी चिंता मत कीजिए, अपने रिव्यूज भेजिए इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। तो बनिए हिस्सा पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.